जैस्मिन शाह, मैं आपके पास आ रही हूं, और क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने बड़ी चुनौती दी कि हमने तो 2018 में भी चुनौती दी थी कि अगली बार बड़ा तैयारी के साथ आइएगा, लेकिन तैयारी कुछ कर नहीं पाए, घिसी पिटी तैयारी के साथ फिर आ गए। 2024 से पहले फिर अविश्वास प्रस्ताव लाइएगा। क्या आपको लगता है कि विपक्ष की तैयारी कमजोर रही? गरिमा, सिर्फ जोड़ देता हूं, इनसे ही शुरू किया, कहा कि जो कट्टर भ्रष्ट है एक ही बार और बैठे, वो कट्टर भ्रष्ट के चक्कर में बैठे। तो ये कट्टर ईमानदार जो कोइन किया था एक शब्द अरविंद केजरीवाल ने, तो इनको आज सदन से पूरे देश को बताया कि ये कट्टर भ्रष्ट है, और जिसके लिए जिसके साथ ये नहीं बैठते थे वो कांग्रेस वाले, इनके चक्कर में एक दिन और बैठे, नहीं तो बाकी तो वो सदन का बाइकॉट कर रहे थे। तो कट्टर भ्रष्ट भी बताया इनको आज। जैस्मिन शाह, गरिमा जी, मैं तो पहले इतना ही कह दूंगा कि जो ब्रजमोहन जी ने अभी जस्ट कहा कि प्रधानमंत्री सोचे समझे बिना कुछ भी कह देते हैं, किसी पे भी 70,000 मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि उनको भी कभी गलत जानकारी मिल सकती है, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। हाँ, तो इसी गलत बात नहीं, मुझे आप कोट करके गलत बात मत बोलिए, मैंने सिर्फ ये कहा कि उनको भी गलत जानकारी मिल सकती है। प्रश्न कहे तो इनको कहना ना कहना एक बराबर है। दूसरी चीज, ब्रजमोहन जी ने ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कही कि पिछले 75 साल से विपक्ष देश को चला रहा है, इसलिए सारी समस्याएं हैं। मतलब इन्होंने खुद मान लिया कि 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने कुछ नहीं किया और 9 साल मोदी जी की खुद की सरकार ने कुछ नहीं कहा, और यही भाव मुझे आज प्रधानमंत्री की स्पीच पे दिखा। 44 times कांग्रेस का नाम लिया, यहां तक कि जब मणिपुर की बात आई तो कह रहे कि जी कांग्रेस ने जितनी सारी पाप किए थे इसके लिए हमें भुगतना पड़ रहा है। मतलब वो साफ मान रहे हैं कि 9 साल में मोदी सरकार ने प्रचार प्रसार के सिवा कुछ नहीं किया, और आज बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी थी प्रधानमंत्री को, ना कि पॉलिटिकल भाषण देने की, जो आज उन्होंने किया। देश के सामने हम सब जानते हैं बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, टमाटर का दाम 200 के पार हो गया है, गैस सिलेंडर 400 से 1100 हो गया है, पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गया है, और सबसे बड़ी जो चीज थी मणिपुर 3 महीने के बाद भी, गरिमा जी आप जानती हैं, जल रहा है। आज के दिन ही और कोई इंसिडेंट्स और नए इंसिडेंट्स आ रहे हैं जहां पे महिलाओं का गैंगरेप अभी भी जारी है, वैसी खबरें आ रही हैं, हत्याएं हो रही हैं। एक चीज जो है पीएम ने कही हो जिससे कुछ विश्वास की उम्मीद या किरण जागती हो कि ये शांति का बहाल कब होगा मणिपुर में, यही तो विपक्ष पूछ रहा था कि आप हमें प्लान बताइए, रोड मैप बताइए। और आज जो इनका वक्तव्य था प्रधानमंत्री जी का, इससे साफ हो जाता है, देश की नजरों में साफ हो जाता है कि पूरा देश राम भरोसे है, पूरा देश राम प्लान भरोसे, पूरा देश राम भरोसे। ब्रजमोहन जी, मैं आऊंगी सुकेश, अब क्योंकि सबको सुन लिया, ठीक है जस्ट मिश्रा, मैं आऊंगी आपके पास। 2047 पूरा देश राम भरोसे है, यही मैसेज था। सदन में एक कोशिश थी कि अविश्वास प्रस्ताव के बहाने ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री बोले सदन में अपना वक्तव्य रखे।